हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो आज का टॉपिक, उससे पहले ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू अननोन सेटिंग्स कमेंट करने के लिए। और उसका कमेंट ये था कि एंटी वेनम वर्सेस रायट हुआ तो कौन जीतेगा। तो एकदम शॉर्ट टू द पॉइंट बताता हूँ, पहले बता देता हूँ द विनर विल बी एंटी वेनम। वो क्यों अब बताता हूँ, क्योंकि अगर हम दोनों के पावर्स और एबिलिटीज़ को कंपेयर करें तो मेन जो रायट का पावर है वो है शेप शिफ्टिंग या फिर अपने वेपन्स खुद बनाना, जो कि कार्नेज भी कर सकता है। जैसे कि हमने वेनम मूवी में देखा है, वो अपने हिसाब से किसी भी टाइप वेपन को क्रिएट कर सकता है अपने बॉडी से, और उसे चलाने में वो मास्टर है, ठीक है। और इसी वजह से वो वेनम को लगभग हरा ही चुका था। तो राइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिम्बियोट इन द एंटायर सिम्बियोट, हम कहें गैंग या फिर कुछ भी। तो इसका फाइट अगर एंटी वेनम से हुआ तो क्या होगा। एंटी वेनम सिम्बियोट तो है, पर एक अलग किस्म का पूरा एक एंटिटी है, ठीक है। तो एंटी वेनम नाम से पता चलता है कि वो वेनम को क्या बोलते हैं, डिफीट कर सकता है। वेनम मतलब वैसे सिम्बियोट नहीं, सिम्बियोट का बात नहीं कर रहा, वेनम मतलब किसी भी पॉइजन या फिर दूसरे सिम्बियोट्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंटी वेनम के पास ऐसे ऐसे पावर्स है जो दूसरे सिम्बियोट्स के जो पावर्स है उसको डिफीट कर सकता है या फिर उसके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो जैसा कि हमने एनिमेटेड सीरीज में देखा है काफ़ी बार, या फिर कॉमिक्स में भी देखा है कि एंटी वेनम बाकी सिम्बियोट्स को क्योर कर रहा है। या फिर सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है एनिमेटेड सीरीज में अनलिमिटेड स्पाइडरमैन में हमने देखा था कि कार्नेज ने जब अपने ऑफस्प्रिंग्स को या फिर अपने बॉडी पार्ट्स को न्यूयॉर्क के लोगों के ऊपर दे दिया था, तो एंटी वेनम ने जस्ट उनको टच करके उनके जो कार्नेज सिम्बियोट थे उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। तो इससे एंटी वेनम को कोई नुकसान नहीं होता है, पर वो सबको क्योर कर देता है। और जो सेंस है, मतलब एंटी वेनम का एक सेंस है स्पेशल काइंड का, जिससे उसे पता चलता है कि जो उसके सामने वाला इंसान है उसके अंदर कोई इम्प्यूरिटीज़ है या नहीं। अगर है तो वो उसे क्लीन भी कर सकता है। इसके अलावा उसके पास से हाई हीलिंग फैक्टर, मतलब वो काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को हील कर सकता है। सिर्फ अपने आप को नहीं, अगर वो चाहे तो किसी भी सिम्बियोट के जो पावर्स है उसको भी कम कर सकता है अपने हिसाब से। और जो पॉइंट कॉमन है रायट और एंटी वेनम में, वो है शेप शिफ्टिंग या फिर अपने हिसाब से वेपन्स बनाना। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो रायट और एंटी वेनम दोनों एक ही मतलब मैच होता है एक पॉइंट पे, जो कि है वेपन क्रिएशन। पर सबसे मेन बात जो है वो है हीलिंग फैक्टर और दूसरे सिम्बियोट्स को कमज़ोर करने का, मतलब एक पॉइजन और उसका एंटीडोट। तो जीतेगा कौन? तो जो सिम्बियोट्स है उसको डिसेबल कर सकता है ये एंटी वेनम, उसके पास इतने अच्छे पावर्स है, मतलब ऐसे तरीके के पावर्स है। दूसरा, एंटी वेनम अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकता है, मतलब वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो सकता है, जो काफ़ी सिम्बियोट्स कर सकता है, पर एंटी वेनम का कुछ अलग टाइप फंक्शन है। तो यहाँ पे एकदम सीधे शब्दों में अगर हम बात करें, अगर रायट वर्सेस एंटी वेनम हुआ तो क्लियर कट विनर विल बी एंटी वेनम, क्योंकि ये सारे रीजन्स है। एंटी वेनम मतलब सिम्बियोट है, एकदम पूरे अलग किस्म का मतलब सिम्बियोट है, जिसे हम सोच भी नहीं सकते, मतलब उसके पास ऐसे ऐसे पावर्स है, नाम से ही पता चलता है। तो खैर, वीडियो छोटा था, एकदम टू दी पॉइंट बताया। तो नेक्स्ट वीडियो होगा, एक जन ने बहुत बार कमेंट किया है, नेक्स्ट वीडियो विल बी नल वर्सेस घोस्ट राइडर, कौन जीतेगा। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहे हमारे साथ, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को सब्सक्राइब कैसे, नहीं सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।